सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं स्वनी मालाकार हूं और मैं IN24 से हूं। मैं और मेरे सहयोगी योगेश, साथी खुशबू, चंद्रेश सर, टिकेश सर, सभी आप लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं और आपके खरोरा में जनता दरबार में दावेदार का कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। 15 सालों से यहाँ BJP के विधायक रहे, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे और रमन सिंह जी का सबसे प्यारा विधानसभा ये रहा। फिर कांग्रेस से विधायक है और कांग्रेस की सरकार है। अब फिर एक बार चुनाव होने को आ गई है, फिर दावेदार हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हमारे कार्यक्रम का ही नाम है जनता दरबार में दावेदार। तो सबसे पहले तो हम जनता से ही बात करेंगे, उसके बाद जो दावेदार बैठे हैं उनसे बात करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम सुंदरा से आया हूँ। कैसे आए? मैं ये जो जनता दरबार लगा है वहाँ। सड़क से आए, कार से आए हैं, मोटरसाइकिल किससे आए? बाइक से आया हूँ मैं। बढ़िया, सड़क ठीक है। आप कहाँ से हैं? मैं खपरी बंजारी से आया हूँ। ठीक ठाक है सड़क जी? अच्छा, महिलाओं से पूछ लेते हैं। दीदी ठीक ठाक है सड़क? ठीक ठाक है, मैं खोर नगर। ठीक ठाक है सड़क? ठीक ठाक है। सभी कह रहे हैं सड़क ठीक ठाक है। अब जो दावेदार हमारे बैठे हैं उनसे ही पूछ लेते हैं। जनता बैठी है, आप लोगों से जवाब लेना चाहेगी। डरेंगे थोड़ी आप लोग? बिल्कुल। तो जो दावेदार बैठे हैं उनसे जनता का सवाल होगा, हमारा भी सवाल होगा। सर, एक मिनट पहले दावेदार। सबसे पहले धरसीवा विधानसभा यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं अनीता योगेंद्र शर्मा जी, उन्हीं से सवाल करेंगे। 5 साल में कितना काम हुआ? 5 साल में हमारे क्षेत्र में करीब 54 बड़े सड़कें बने हैं और 200 से करीब छोटे सड़क बने हुए हैं। और अभी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्लांट लगा हुआ है, सीजीरियन ऑपरेशन 24 घंटे हो रहे हैं और धन्वंतरी मेडिकल यूनिट और मेडिकल का व्यवस्था शासन के। शराबबंदी का वादा किया था, वही नहीं हुआ, बाकी सब काम हुआ लग रहा है। शराबबंदी एक सामाजिक बुराई है और हमारी सरकार पूरी प्रयासरत है कि समाज का सहयोग मिले और समाज का सहयोग के और उसके हिसाब से ही शराबबंदी की जा सकती है। जैसे कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी करके आज लोगों को रोड में लाने का काम किया है, उस तरीके का काम हमारी छत्तीसगढ़ सरकार नहीं कर रही है। BJP के जो तमाम लोग बैठे हैं उनसे पूछते हैं। गणेश शंकर मिश्र जी हैं। सर, पहले अच्छी खासी नौकरी की, नौकरी से रिटायर हो गए, फिर क्यों पढ़ाई करने आ गए नेतागिरी में? नौकरी से तो हर कोई रिटायर होता है और मैं चूंकि स्थानीय व्यक्ति हूं, यहां गांव मूरा का रहने वाला हूं, इसलिए मैं मेरी जो जानकारी थी, मुझ में जो ऊर्जा शेष है उसका उपयोग मैं क्षेत्रवासियों के लिए, विधानसभा के लोगों के हित के लिए करना चाहता हूँ और इसलिए मैं राजनीति का मार्ग चयन किया हूँ। मैडम कह रही थी सर आप बंदी सामाजिक बुराई है, बंद तो नहीं हो पाया, क्या लगता है होना चाहिए बंद? जब वो लोग घोषणा पत्र में गंगा जल ले के कसम खाए थे तो बंद करना चाहिए। और मैं ये क्षेत्र के विधायक महोदय से प्रश्न करना चाहूँगा कि यहाँ गली गली मोहल्ले में शराब बिक्री हो रहा है और कोचिया को वो बोलता है कि निवेदन करता हूँ भाई साहब आप शराब मत बेचो करके, ये करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। जी बताइए। देखिए, पहली बात तो ये कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कभी भी हमने गंगा जल लेके ये शपथ नहीं ली थी कि शराबबंदी करेंगे। दूसरी बात, 2003, 2008, 2013 क्रमशः तीनों बार भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में शराबबंदी का विषय था। इन्होंने तो शराब को सरकार से बेचना चालू कर दिया और उल्टा राजस्व की चोरी की है। इनके समय में 2000 करोड़ का राजस्व आता था, हमारे समय में वही राजस्व बढ़ के 54 हो गया। शराबबंदी होना चाहिए, इसके लिए हम लोग कृतसंकल्पी हैं। हमारी 36 में से 35 मांगे पूरी हो चुकी, एक मांग आंशिक ये बची थी, लेकिन यह भी अफरा तफरी नहीं होगी क्योंकि 7 छोटे बड़े राज्यों से जुड़ा है छत्तीसगढ़। यदि हमने यहाँ बंद भी कर दिया तो हमने कोरोना काल में देखा है हरियाणा से, मध्य प्रदेश से भाजपा के नेताओं ने शराब भेजा है जो कवर्धा में और पंडरिया और मुंगेली में पकड़ाया है। तो निश्चित तौर पर यदि बाहर से शराब आएगा तो उसके लिए हम कैसे जिम्मेदार हुए? ये सामूहिक प्रयास से ही हो सकता है, किसी एक व्यक्ति के तानाशाही से, जैसे कि अभी भाभी ने बताया नोटबंदी कर दिया या कभी 1000 बंद कर दिया, कभी 2000 चालू कर दिया, इस तरह के तुगलकी फरमान से काम नहीं होता। सरकार चलाना जनहित से होता है। निश्चित तौर पर विकास निरंतर हुआ है,
और छत्तीसगढ़ का जो चीज कभी नहीं होता, मतलब आप खरोरा में देखिए ब्लॉक बन गया, बंदी नहीं कर सकते आप लोग। नहीं, निश्चित तौर पर सबका साथ रहेगा, हम तो आज भी चाहते हैं, लेकिन तुगलकी फरमान तो नहीं जारी कर सकते ना कि आज बंद कर दियो, पता चला गली गली में कोचिया बेच रहे हैं, वो तो हम नहीं कर सकते ना। अपनी जनता को हमने तो कोरोना काल में लोगों को फिनाइल पी के मरते हुए देखा है, तो वैसा तो नहीं कर सकते ना। जनता भी आवाज दे रही, जनता से जानना चाहेंगे। नहीं नहीं, गली गली में तो आपके राज में बिकता था भाई साहब, 15 साल तो आपने भी राज किया है, कितना प्रोत्साहन आपने दिया, हर किसी ने जाना है। दारू कोचे लोग मिल जाएंगे, रात तक की मिल जाएंगे, ओपन दुकान। और है जो लोग जनता बैठे हैं वो भी कहना चाहिए। जी बताइए। शराबबंदी के मामले में जरी गली कोचे वाली जो बात कर रहे हैं, मैं जानकारी के लिए दे दूं, हमारी सरकार और विधायक महोदय के द्वारा समय समय पर आवाज उठाया गया था, भाजपा के द्वारा, भाजपा का भी कार्यकारी अभी भी फरार है शराब, अवैध शराब के मामले में, और अवैध शराब के मामले में विकास ठाकुर के द्वारा ऑडियो वायरल है वसूली के मामले में, उस पर अपने स्पष्टीकरण दीजिए। विकास ठाकुर खुलेआम ऑडियो वायरल, उनके ऊपर निष्कासित क्यों नहीं? और भाजपा के ही लोग कोशिया पट्टी का काम कर और कांग्रेस को आप आरोप लगा रहे हैं, यह सरासर गलत है। धन्यवाद। क्या लगता है कि धरसीवा में केवल एक समस्या है? जैसे हम लोग लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, उद्योग तो है लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, हॉस्पिटल तो खुले बने लेकिन वहाँ, जैसे हम फरहदा गांव पहुँचे हुए थे, वहाँ हॉस्पिटल बनी लेकिन वहाँ डॉक्टरों की पोस्टिंग नहीं हो पाई। देखिए, वो ये 2013 के समय वो हॉस्पिटल किसी वहाँ बनी, हॉस्पिटल की वहाँ स्वीकृति हुई थी, लेकिन वहाँ पे गलत जानकारी की वजह से, क्योंकि फरहदा ग्राम पंचायत फरहदा में हॉस्पिटल बन गई और वहाँ के जो स्टाफ थे वो फरहदा अभनपुर ब्लॉक में उनका हो गया, तो अभी जो नई भर्ती हो रही है उसमें हॉस्पिटल में डॉक्टरों की व्यवस्था हमारे शासन के द्वारा करी जा रही है। और जो आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग, हमारी सरकार और हम सब मिल के, हम लोग हर वो जगह, हर वो इंडस्ट्री जहाँ पे भी खुल रहा है, हम एक ही बात कर रहे हैं कि स्थानीय लोगों को पहले प्राथमिकता मिलना चाहिए और स्थानीय लोगों को पहले जॉब मिले, उसके बाद बाहरी के लोगों को भर्ती किया जाए। ये हमारी सरकार की पूरी प्रयास है और हम खुद प्रयासरत हैं। आज मेरे हॉस्पिटल, मेरे ऑफिस में रोज़ कम से कम 15 से 20 लोग अनुशंसा करवा के ले जाते हैं कंपनी में नौकरी के लिए। पहले तो ऐसे था, एक मिनट, पहले तो ऐसा था कि हमारे बेरोजगार को सुनने वाला कोई नहीं था। 15 साल हमारे बेरोजगार लोग भटकते रहे, उनको कभी कोई ने नहीं, किसी ने नहीं सुना। आज हमारे हर एक कार्यकर्ता से लेकर हर वो जनप्रतिनिधि, चाहे जनपद अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे हमारे पार्षद गण हो, अगर उनके पास कोई सहयोग लेने जाता है तो उन लोग तत्काल उसके सहयोग के लिए खड़े होते हैं। ये हमारी सरकार के हमारे लोग हैं। इनसे भी थोड़ा जान लेते हैं। मैडम कह रही, सही कह रही। सबसे पहले मैं धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के जतेक भी कार्यकर्ता मतदाता बंधु आप मनाए हो और मंच में हमर भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के जतेक भी उम्मीदवार के रूप में बैठे हैं और मीडिया में सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कांग्रेस पार्टी अपन घोषणा में खरा उतर के नहीं दिखे, काबर 36 घोषणा करके 35 घोषणा कंप्लीट कर दे, एक घोषणा बाकी है। ये बातला भारतीय जनता पार्टी ओकर पास नहीं रखते, चूंकि वो ओकर घोषणा है। और जब तक घोषणा करके जनता ला छलावा करके छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनाए, तो मैं ये कहता हूं कि वो घोषणा ला आप लोग मिस्तुल निश्चित रूप से कसम खा के पूरा करना चाहिए। दूसरी बात, आज आप मन जाके देखो एक के 35 घोषणा जब पूरा हो। एक सवाल आपसे, उमा, 3 बार रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, 3 बार आपके यहाँ से विधायक रहे बीजेपी के, कितना विकास हुआ 15 सालों में? विकास बहुत अत्यधिक विकास हुआ है, आप लोग बताना चाहता हूँ। अभी वर्तमान में 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस के समग्र विकास योजना में कौन से ऐसे गांव हैं जिन्हें 10 लाख रुपए के समग्र विकास में काम हुए हैं? मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, 1952 से आज तक भारतीय जनता पार्टी रायखेड़ा में जीतता है
मगर 2018 में हमारे क्षेत्र के विधायक दीदी लभी जीत अच्छा, के समय देखना पड़ी। एक मिनट जनता बैठे, जनता कुछ जी बताइए। मैं एक बहुत बड़े गंभीरता है, मतलब यहाँ पे शराबबंदी जो है, मैं एक चीज बेसिकली जानना चाहता हूँ। चल ठीक है, तोर से शराबबंदी नहीं हो सकी, ते हाँ कसम भी नहीं खाए गंगा जल के, तो इतना अनैतिक काम भी तो मत कर कि यहाँ पे पढ़ने वाला बच्चा एक कबाड़ी दुकान में जाके जेब में पकड़ के वहाँ पे वो सीसी ला पकड़ के बेचे ले जाए। ये भी तो शिक्षक व्यवस्था के अंतर्गत है ना। इतना यहाँ पास गांव गली में जहाँ पे रमन सरकार में भी रिस 4 क्वार्टर नियमित रिस है, अच्छी तरह महिला मन भी जानते हैं, हमन भी जानते हैं, हमन भी स्थिति परिस्थिति देखे हैं, लेकिन इतना बिगड़े हालात ने रिस है जो आज कांग्रेस बदतर स्थिति में कर रहे हैं। उन्हीं से जवाब लेते हैं, आरोप लगा रहे हैं, सही है। मैं जनता दरबार में उपस्थित जनता का अभिनंदन करता हूं और ये कार्यक्रम करने के लिए IN24 का भी अभिनंदन करता हूं। ऐसा कुछ नहीं है, इस क्षेत्र में 2003-2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उसके बाद की स्थिति यह है कि 15 साल तक के भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, उस शासन में भी शराब ऐसी बिक रहा था, और तो और शराब बाद में तो ये किया गया कि सरकार शराब चलाने लग गई और उसके कारण ये स्थिति है। और वर्तमान में जो सरकार है वो प्रयास कर रही है शराबबंदी का, ये झूठा आरोप है। इस क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही और विधायक एक्टिव है, ऐसे कामों पर हमेशा कार्रवाई कराते रहती है कि इनलीगल शराब ना बिके। रहे हैं विधायक जी लगातार कार्रवाई करवाते रहते। मेरे सहयोगी योगेश है, नीचे जनता से बात करेंगे। जी योगेश, हमारे साथ लोग हैं, लोगों से बात करते हैं क्योंकि जवाब आज जनता से मांगना है तो लोगों से बात करते हैं। विधायक हैं, 5 साल कार्यकाल खत्म होने वाला है, क्या समस्या है यहाँ की, जमीनी समस्या क्या है? मोर नाम घनश्याम चंद्राकर है, मैं गाँव भड़ा का निवासी हूँ। भड़ा में करीब 1 साल से सड़क बना थे, अब वो सड़क जो बना थे उसमें आप जाके देख लूँ, आपके टीम जाही मीडिया है, उसमें 10 बार पुल भसक गए है, और उसमें बार बार वो में दोन डालते और आदमी मन का है हमन बेलदार सुनी हो के गुजरे लगते, कभी बुढ़े नहीं हो के जा लगते, एकर बारे में पूछना रही से। दूसरा बोला एक विधायक महोदय से जानकारी चाहिए रही से, आप बोला तो कि शराबबंदी हमारे सरकार के करेक्ट मन है और मनसा है। कोरोना काल में आप देखे हो, हमू मन देखे हैं कोरोना काल में जब पूरा सब बंद रही से, लेकिन ओकर बावजूद भी दुकान चालू करके कोरोना काल में ये जो है एकर सरकार है शराब ला बिकवई से, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोला ये है कि एकर साथ में भी बहुत सारा वादा, जैसे 2 साल के हमर भाजपा सरकार है बोनस नहीं दे पाई तेलाम देवो बोलीस का है, ओला देख अभी देना चाहते कि नहीं देना चाहते, अभी तो सरकार एकर मन के अब समय भी खत्म हो गए। ओकर अलावा भी लोगन मने और सब लोगन मन सवाल करी था, पहली दीदी से सवाल, अभी दीदी जो जनता सवाल करी से शराब के कहा थे रोड नहीं बने कहा थे, अगर पहली आप मन से जवाब चाहता ना, आप मन कहा कही था, हर सब जन से सवाल पूछ बोन, सब जन से सवाल पूछ बोन। सबसे पहली तो जन 1 साल से भड़ा रोड बना थे करके जो उन बात बोला थे भाई है, मैं बताना चाहूँ कि अभी 4 से 5 महीना हुए भड़ा रोड के भूमि पूजन करे, और अभी वो रोड के काम चला थे, बरसात के दिन है और बरसात के दिन में रोड बना थे, थोड़ा सा प्रभावित तो होबे करी बरसात के दिन में, तो ये कथन बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि कहीं से पुल पुलिया भस के, ऐसे आज तक कोई सूचना हमारे क्षेत्रवासी से नहीं आए। और दूसरा बात शराब ला ले के जो बात कर रहे थे, रायपुर जिला में अगर ये खरोरा ब्लॉक में सबसे ज़्यादा दारू कोचिया मन के ऊपर कार्रवाई यहाँ हो है, ये सरकार लगातार कोचिया पंतीला बंद करे के लिए लगातार काम करत है। मोर अभी सपाठी मोर भाई अभी बोला रही से कि विधायक निवेदन करते, तो हमर कांग्रेस पार्टी के काम है सबसे पहली प्रेम से समझाओ, अगर नहीं समझ है तो ओखर मन के जवाब ला ओखरे मन के हिसाब से दे जाते, ऐसे नहीं है, नाबालिग बच्चा है, आपके नाबालिग बच्चा अगर दारू बेचा थे तो आप मन ला अपन बच्चा ले नहीं सुधार सकूँ तो वो समय तो बोले पर पड़ते,
नाबालिग बच्चा के साथ आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है। वो चार दिन बाल सुधार गृह में जाही ओकर बाद छूट जाही। तो अगर ये बात ला मैं कोई जगह बोले रहे हूँ तो ये बात ला लेके भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा ये कर लिए कि विधायक निवेदन करा थे तो हम निवेदन भी करतन और समय पड़ते तो वो ला सजा भी दिलवातन। और रायपुर जिला में सबसे ज़्यादा खरोरा ब्लॉक में कोचिया मन के ऊपर कार्रवाई हुए और लगातार कार्रवाई हुआ थे। जिन तरीके से भाजपा के मन हाँ जिन तरीके से कोचिया पंथी करवावा थे वो बात भी जग जाहिर हो चुके हैं। और आप वैसन मल्ला आप अपन स्थान और ओखर ओखर उपलब्धि करा था वैसन मल्ला बहुत अच्छा पद में बैठारे के काम भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करे जाते। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि जनता और दावेदार दोनों बैठे हैं। अब दावेदारों से मेरा सवाल एक एक करके सबसे जवाब लेना चाहूँगा मैं। आप लोग बताएंगे जनता आपको वोट क्यों दे? आप दावेदारी कर रहे हैं क्यों वोट दे जनता? सबसे पहले इस कार्यक्रम के लिए मैं IN24 को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं और जितने भी हमारे विधानसभा धरसीवा के जनता आए हुए हैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। चूंकि आपका सवाल है कि वोट क्यों दे, तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सरकार बनाना जरूरी है, सरकार में दावेदारी आना भी जरूरी है। दावेदार आते हैं तो वोट मिलता है, तो जनता को सरकार बनाने के लिए वोट देना ही पड़ेगा। वोट क्यों दे ये उनकी सहमति में है कि कौन सी सरकार उनके लिए काम कर रही है, आगे आके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है और उनको आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए काम कर रही है, ये उनके नज़र में देखना है। चूंकि अभी पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार थी। आगे बढ़ते हैं जी, आप बताएंगे क्यों आपको जनता वोट दे? मेरे को इसलिए जनता वोट दे, इस क्षेत्र का मैं जिला पंचायत सदस्य हूं और कृषि समिति का चेयरमैन हूं। इस क्षेत्र में मैं सरकार किसी की भी हो लेकिन गांव गरीब किसान और मजदूरों के हित की बात को उठाया हूं, क्षेत्र की समस्या को उठाया हूं, जनहित पे काम किया हूं, इसलिए जनता मेरे को धरसीवा विधानसभा क्षेत्र से वोट देकर बीजी बनाकर विधानसभा में भेजेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप बताइए। धन्यवाद। देखिए जनता वोट तो देगी लेकिन सरकार किसकी है और कौन कौन सा पार्टी से लड़ रहा है? मैं कांग्रेस पार्टी से दावेदार हूँ, बिल्कुल ही हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जितना घोषणा किए थे वो तो पूरा हो ही गया, उसके बाद भी और घोषणा किए, 20 क्विंटल खरीदी की घोषणा किए हैं, ऐसे बहुत सारे और जो है घोषणा किए, जो सारा सब वादा पूरा किए, इसलिए जनता हमको वोट देगी। और ख़ासकर रही बात मेरी, तो मैं शुरू से ही पंच चुनाव से यहाँ चुनाव लड़ते आया हूँ। एक बार पंच से प्रूफ सरपंच, फिर जनपद सदस्य, फिर दो बार नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा हूँ और जनता की सेवा करते आ रहा हूँ, इसलिए मैं वोट की आशा करता। थोड़ा सा बीजेपी पक्ष से भी जान लेते हैं क्यों जनता आपको वोट दे? देखिए अभी मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, मीडिया के सभी विभाग के जो साथी आज पहली बार कि खरोरा में जो दोनों पार्टी, यहाँ तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ भाजपा और कांग्रेस दो ही पार्टी है, तो मीडिया के सभी कर्मचारियों को भाइयों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है पिछले 15 साल में जो रमन सरकार जो काम किया है उसके 5% अभी भारतीय कांग्रेस सरकार ने काम नहीं किया है। राजस्व की बात मैं बोलता ना, जिस समय रमन सरकार में एक दारू का सीसी 70 रुपये में बिक रहा था, याद है वो जो वो पौआ का दारू अभी 120 रुपये में बिक रहा है, इसलिए राजस्व डबल हो गया है। वही राजस्व की बात है जो रमन सरकार ने हर आदमी को कम से कम रेट में दारू पिलाया, वो मानता हूँ, लेकिन उसको 4 गुना कर दिया कांग्रेस सरकार ने, ये भी सत्य है। और उसी में राजस्व चल रही है और दारू में ही शिक्षा विभाग को, दारू में शिक्षा विभाग के सारी शिक्षकों का तनख्वाह दारू से ही मिलता है क्योंकि कांग्रेस सरकार पे राजस्व का कोई आय का स्रोत है ही नहीं है, एक ही मात्र है वो शराब। शराब ही अगर बंद हो जाएगा
तो सरकार किसी भी तरह से नहीं चल पाएगी। और लग रहे हैं आप नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार के लिए दारू से बड़ा कोई आकर्षण नहीं है। दूसरे अन्य लोग बैठे उनसे भी जानना चाहेंगे, जनता आप लोगों के पास भी आएंगे, निश्चिंत ही आएंगे, आप बताइए क्यों आपको वोट दें। जनता प्रत्याशी को इसलिए वोट देंगे क्योंकि वो जनता चाहती है कि एक अच्छा जनप्रतिनिधि हमको प्राप्त हो। और आपको क्यों वोट दें? अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप दावेदारी कर रहे हैं, तो आपको क्यों वोट देंगे? नहीं, वोट इसलिए देंगे क्योंकि लोकतंत्र में सब क्या करना चाहेंगे मैं बताना चाह रहा हूं उसी बात को। लोकतंत्र में सबको अधिकार है और जैसे हम लोग प्रत्याशी के रूप में है और जनता चाहती है कि हमको वोट इसलिए देंगे कि जनता के छोटे छोटे जो काम है वो तहसीली का है और थाना का है, तो उसमें वो अपेक्षाएं रखती है कि हमारा छोटा मोटा काम हमारा जनप्रतिनिधि के माध्यम से काम हो जाए। जैसे आज आपको बताना चाह रहा हूं कि राजस्व विभाग में सिर्फ दारू भरे मत उलझो, काम की बात करो भाई अभिषेक जी। हमारे आज से एक साल पहले कांग्रेस की ही सरकार में एक त्रुटि सुधार का काम जो है पटवारी के माध्यम से हो जाता था, मगर आज पटवारी के अधिकार को छीन के 5 साल तक के जो त्रुटि है वो SDM सुधारेगा और 5 साल से ऊपर का जो त्रुटि है वो कलेक्टर साहब सुधारेगा। ये प्रक्रिया जो है एक किसान को एक त्रुटि सुधारने में कम से कम 10 से 15 महीना लग जाता है और वो किसान बेचारा का काम नहीं हो पाता है। तो ये छोटे छोटे काम के नाम से हमारी जनता हम लोगों को वोट देकर प्रत्याशी नियुक्त करते हैं और इसीलिए हम लोगों को उनका वोट की आवश्यकता पड़ती है। सभी से निवेदन करूंगा थोड़ा संक्षेप में बताएंगे क्योंकि जनता से भी हमको पूछना है, उनकी भी राय लेनी है, समय कम है हमारे पास। आज जनता दरबार के जिन आयोजन करे है IN24 एकर हमन सबो जन जतका जन बैठे हैं ना भारी हन धन्यवाद ज्ञापित करत हन। और जेन आज आप मन सब जन बुलायो ओकर लिए धन्यवाद। जनता हमला काबर वोट दी एकर बारे में संक्षिप्त में बतावत हूँ। शुरू से हमार राजनीति करत हन भैया, जैसे अरविंद भैया बताई पंच सरपंच मंडी सदस्य तो जल उपभोक्ता संस्था कोऑपरेटिव संस्था सब में हमन छोटे छोटे निर्वाचन में चुन के आया हन। अब हम जनता के लिए क्या करेंगे आप? जनता के लिए तो गलत बतावत हूँ तोला, थोड़ा संक्षेप में बताइए बाकी अपेक्षा के अनुरूप जितका अधिक से अधिक काम हो सकी ओला करबो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जिस भी राजनीतिक दल से हम लोग चुनाव लड़ने की मंशा और जाहिर करते हैं तो निश्चित रूप से जिस राजनीतिक दल से हम लोग जुड़े हैं और पार्टी जो योजना जो बनाती है उस योजना का जो क्रियान्वयन है कांग्रेस के तुलना में आप देखेंगे भाजपा के रीति नीति में जमीन में ज़्यादा प्रतिशत मात्रा में पहुँचती है और उसी योजना को धरातल में लाने के लिए आप विकास के काम की सभी बातें कर रहे थे। 15 साल में जितने विकास के काम कितने भी अधोसंरचना बोले, शिक्षा का बोले, पंचायत का बोले, इंजीनियरिंग कॉलेज बोले, मेडिकल कॉलेज बोले, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में 15 साल में जितना तेज़ी से हुआ है उतना ही अभी 5 साल में उतना ही पीछे चला गया है। तो हम लोग अपनी जगह में जहाँ काम करते हैं उतनी तेज़ी से हो। और दूसरी एक बात और मैं समाप्त करूँगा कि हम घोषणा करें तो उसको पूरा करें या तो घोषणा ही ना करें। आखिर हमको सबको जनता के बीच में जाना पड़ता है, यदि हम उसके विश्वास में खरा नहीं उतरेंगे तो हम जब जनता के बीच जाएंगे वो प्रश्न जवाब हमसे ही करेगी। ठीक, आपको क्यों वोट दे जनता? देखिए सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जहाँ पर सबको बुलाया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे वोट क्यों देना चाहेगी जनता? मुझे जनता इसलिए वोट देना चाहेगी, कांग्रेस पार्टी को इसलिए वोट देना चाहेगी कि आप सभी को मालूम है, ये तो हम लोग ये चैनल के माध्यम से बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के सभी जनता को नागरिक को मालूम है कि आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहता है लेकिन जमीनी आप स्तर में आप देखें तो छत्तीसगढ़ में 80% व्यक्ति जो है वो किसान हैं और किसान के हित में सरकार ने बेहतर काम किया है। धान के मूल्य उनको सही मिल रहा है, बोनस उनको सही मिल रहा है, चहुमुखी विकास के तरफ आज जनता को जो इस सरकार से लाभ हुआ है
वो सभी जनता जानते हैं। और रह गए सवाल पक्ष विपक्ष की बात, वो तो सब चलते रहता है, लेकिन जितने लोग बैठे हैं ये सबको मालूम है कि पुनः कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जनता का हित है, गरीब मजदूर किसान सबको इनका लाभ मिलेगा। कौन सा ऐसा क्षेत्र है उसमें आज भूपेश बघेल की सरकार ने काम नहीं किया है? और मैं आरोप प्रत्यारोप से बच के एक बात कहना चाहूँगा, जहाँ वादे की बात करती है और लोग बोलते हैं कि एक वादा पूरा नहीं किया, तो हम अपने घर में भी यदि 50 काम करना चाहते हैं तो 49 होता है, एक काम बच जाता है, वो बड़ी कोई कमी नहीं है। और रह गई शराबबंदी की बात, ये शराबबंदी जो है वो हम सभी लोगों के परस्पर सहयोग से बंद होगा, और ये शराब के जो काम है ये तो कईयों वर्षों से शराब बिक्री चल रहा है। बल्कि एक बात बोलना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने स्वयं शराब बेचना चालू किया, वो एक सामाजिक बुराई थी। ठेकेदार लोग बेचते थे तो अंकुश रहता था, यदि सरकार बेचेगी तो निरंकुश हो जाता है, और भूपेश सरकार भी इस पर पहल कर रहा है। बहुत से शराब के जो दुकानें वो बंद हुआ है और जो चल रहा है एक दूसरे की परस्पर भावना से। और एक बात मैं अब बोलना चाहूंगा थोड़ा सा, यदि इस चैनल में आया हूं तो, आज के तारीख में जो परिस्थिति सरकार की चली है, छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा मिला है, छत्तीसगढ़ के संस्कृति, छत्तीसगढ़ के संस्कार, वहाँ के व्यंजन, सारी खेल कूद त्यौहार, इन सारी चीज़ों को भूपेश बघेल ने फोकस करके ये छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दिलाया है, और इसलिए ये जनता जो है मुझे वोट देना चाहेगा और सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को जिताना चाहेगा। धन्यवाद। आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज का ये जनता दरबार का कार्यक्रम रखे हैं, और इस जनता कार्यक्रम में आप पर उपस्थित पूरे क्षेत्रवासियों को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप अभी बोल रहे हैं कि आपको जनता वोट क्यों दे, तो कथनी और करनी मंतर होती है, जनता जान चुकी है। क्योंकि अभी वर्तमान में कांग्रेस की जो सरकार है, सारी जो 36 प्रकार की वादा करके सरकार बनाई थी और इसमें एक भी वादा को पूर्ण नहीं किया है। और रहा सवाल शराबबंदी की बात, तो सब जनता जान रही है कि गली गली में अगर कोचिया आप लोग करेंगे क्या शराबबंदी आप लोग करेंगे? बिल्कुल, हमारी देखो, हम मैं उसी समय आ रहा हूँ, अभी हमारी जब सरकारें थी, जब हमारी सरकारें थी तो पॉपुलेशन के हिसाब से सभी जगह का शराब दुकान को बंद करने का प्रयास किया गया था। जैसे कि संडी में एक शराब था उसको बंद किया गया, सारा गाँव में था वो शराब भट्टी को बंद किया गया, दोंदे के पास एक शराब, ऐसा कई ऐसे जो शराब बंद है जो भट्टी को बंद किया गया था। और उसी दिशा में हमारी सरकार धीरे धीरे एक एक करके भट्टी को बंद करने का प्रयास रहा था। और हमारी सरकार जब थी तो कोई भी प्रकार के अवैध दारू नहीं बिक रहा था, और आज वर्तमान में गली गली में अगर दारू बेचवाने के काम कर रही है तो कांग्रेस की सरकार कर रही है। इनकी सारी योजनाएँ हैं, अपनी योजना के बारे में अगर बात करते हैं जो इनकी मुख्य योजना है, गरवा नरवा घुरवा बड़ी, आप वर्तमान में यहाँ खर्रा में जाकर देखिए, यहाँ का गोठान का हाल आकर देखिए, आप योजनाओं पे मत जाइए। मैं योजनाओं के बारे में बात करूं भाई साहब, मैं उसी योजनाओं के बारे में बात करूं। आज गाय खुले में घूमने को, और रोज गाय यहाँ मर रही है, आम जनता खोरक सब एक एक व्यक्ति जानता है, हमें दो दो तीन तीन गाय को, और यहाँ पर ना रखने की जगह है और ना कोई सुविधा है, ऐसा गौठान की स्थिति है जिसमें 20-20 लाख 30-30 40 लाख रुपया लागत करके गौठान बनाया गया, यह सिर्फ भ्रष्टाचारी करने के उद्देश्य से बनाया गया है। जितने इसकी योजना है सब भ्रष्टाचारी करने के काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस सरकार, धन्यवाद। और सुनिए एक मिनट, और जनता को जनता किसी से को राय लेनी है कि जनता को क्यों चुनेगी, अगर किसी को देनी है वो मन बना कर रखा हुआ है। आने वाला समय में विधानसभा चुनाव में जनता जान चुकी है। आज छत्तीसगढ़ के आप छत्तीसगढ़ बात करते हैं, मैं उसी से बात कर रहा हूँ, राज्यसभा सांसद में क्या हमारा छत्तीसगढ़ में सांसद नहीं था क्या? बाहर जलाने की क्या जरूरत थी उसको? शुक्ला जी हमें जानना चाहिए क्यों वोट देगी, क्यों आज हमारे छत्तीसगढ़ में आज बाजरंग आप जिस हाओ बबलू हाओ। देखिए मैं चंद्रशेखर शुक्ला धरसीवा के प्रारंभ क्षेत्र कन्हेरा से आता हूं, उच्च शिक्षित हूं, लगातार निर्वाचित पदों में रहा हूं, जनपद रहा हूं, 15 साल से सोसाइटी का अध्यक्ष हूं,
और मैं आपको बताता हूं कि जनता क्यों मुझे वोट दे या क्यों कांग्रेस को वोट दे। आपके एक वोट से आज खरोरा में ब्लॉक बन गया, तहसील ऑफिस बन गया, कॉलेज बन गया, ये आपके एक वोट से हुआ है। कोरोना काल में कोई आदमी को तकलीफ नहीं हुई, ये आपके एक वोट से हुआ है। आपके एक वोट से आपका कर्ज माफ हुआ है। आपके एक वोट से आप 20 क्विंटल धान खरीद रहे हैं। आने वाले 5 साल में हमारे धान की कीमत 3600 तक हो जाएगी। भाई लोग मेरे बहुत देर से बात कर रहे हैं, कोई शराब को बेचने का समर्थन कर रहा है धीवर साहब, हमारे अनिल भाई गोठान की बात करे। अनिल भाई मैं तो कहना चाहूंगा ये आपकी व्यक्तिगत सफलता है कि आप नगर पंचायत अध्यक्ष होते हुए बता रहे हैं। बता के भाषण मैं भी देना जानता हूँ, खड़े होकर लंबा भाषण दूंगा, निरंतर धारा प्रवाह भाषण दूंगा। ये आपकी व्यक्तिगत सफलता की है। जिस आप नगर पंचायत अध्यक्ष होते हुए यदि गाय घूम रही है, खरोरा में तकलीफ है, तो ये व्यक्तिगत अपेक्षा आपकी असफलता है। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए इसी समय, क्योंकि आप भी जिम्मेदार निर्वाचित जनप्रतिनिधि है। एक मिनट, और जनता को जनता किसी को राय लेनी है कि जनता को क्यों चुनेगी। अगर किसी कोर्ट देनी है वो मन बना के रखा हुआ है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में जनता जान चुकी है। आज छत्तीसगढ़ के आप छत्तीसगढ़ में बात करते हैं, मैं उसी से बात कर रहा हूँ। राज्यसभा सांसद में क्या हमारा छत्तीसगढ़ में सांसद नहीं था क्या? बाहर चलाने की क्या जरूरत थी उसको? शुक्ला जी हमें जानना चाहिए क्यों वोट देगी, क्यों आज हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस साहब आज बाज रहे हैं आप जिस। हाओ बबलू हाओ। देखिए मैं चंद्रशेखर शुक्ला धरसीवा के प्रारंभ क्षेत्र कन्हेरा से आता हूँ, उच्च शिक्षित हूँ, लगातार निर्वाचित पदों में रहा हूँ, जनपद रहा हूँ, 15 साल से सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि जनता क्यों मुझे वोट दे या क्यों कांग्रेस को वोट दे। आपके एक वोट से आज खरोरा में ब्लॉक बन गया, तहसील ऑफिस बन गया, कॉलेज बन गया, ये आपके एक वोट से हुआ है। कोरोना काल में कोई आदमी को तकलीफ नहीं हुई, ये आपके एक वोट से हुआ है। आपके एक वोट से आपका कर्ज माफ हुआ है। आपके एक वोट से आप 20 क्विंटल धान खरीद रहे हैं। आने वाले 5 साल में हमारे धान की कीमत 3600 तक हो जाएगी। भाई लोग मेरे बहुत देर से बात कर रहे हैं, कोई शराब को बेचने का समर्थन कर रहा है धीवर साहब, हमारे अनिल भाई गोठान की बात करे। अनिल भाई मैं तो कहना चाहूंगा ये आपकी व्यक्तिगत सफलता है कि आप नगर पंचायत अध्यक्ष होते हुए बता रहे हैं। बता के भाषण मैं भी देना जानता हूँ, खड़े होकर लंबा भाषण दूंगा, निरंतर धारा प्रवाह भाषण दूंगा। ये आपकी व्यक्तिगत सफलता की है। जिस आप नगर पंचायत अध्यक्ष होते हुए यदि गाय घूम रही है, खरोरा में तकलीफ है, तो ये व्यक्तिगत अपेक्षा आपकी असफलता है। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए इसी समय, क्योंकि आप भी जिम्मेदार निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। भूपेश बघेल की सरकार बनाने के लिए, भांचा राम को स्थापित करने के लिए, कौशल्या माता का सम्मान करने के लिए, महतारी का सम्मान करने के लिए, छत्तीसगढ़ी संस्कार संस्कृति को जीवित करने के लिए लोग कांग्रेस को वोट देंगे, भूपेश बघेल को वोट देंगे, मैं चंद्रशेखर शुक्ला को वोट देंगे। धन्यवाद जी। ठीक, आपसे जानना चाहेंगे क्यों वोट देगी जनता? जनता वोट देने का सबको अधिकार है। और मैं सोहनलाल धीवर लगातार 2010 से 20 तक ग्राम पंचायत नकटी कुरे का सरपंच रहा हूँ। और मैं अपने 10 साल के कार्यकाल में जितना भी विकास किया हूँ, वही विकास को लेके मैं जनता के बीच जाऊँगा। और जो अभी कांग्रेस सरकार ने वादा किया था मैं सरकार में आऊँगा तो ये करूँगा करके, उस विफलता को लेके मैं जनता के बीच जाऊँगा। और जो हमारे मोदी सरकार का योजना चल रहा है उनको भी लेके जाऊँगा। यही उम्मीद से मैं जनता के बीच जाके मैं, आपका रोजगार तो दिख रहा है ना, गरवा गुरवा भारी करके हमारे रोजगार युवाओं को गोबर बिनवा रहे हो, है ना? ये क्या योजना है? ठीक, पढ़े लिखे को भ्रष्टाचार में डूबे हो, अपने अधिकारी लोगों को भ्रष्ट करा रहे हो। मैडम क्यों वोट देगी जनता आपको? मैं अनीता योगेंद्र शर्मा, शहीद परिवार जीरम घाटी में शहीद हुए योगेंद्र शर्मा की पत्नी हूँ। 2013 में कांग्रेस पार्टी ने मुझे विश्वास में लिया और मुझे निर्वाचित पार्टी ने मुझे टिकट दी और मैं 2300 वोट से उस समय चुनाव हारी थी। लगातार क्षेत्र में जनता के संपर्क में रही, जनता के विश्वास में
उतरी, तब जाके मुझे 2018 में फिर से मुझे पार्टी की तरफ से सम्मान दिया गया और जनता मुझ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करी। 1800 वोटों मतों से मुझे विजयी कराई। मैं उसके लिए मेरे क्षेत्रवासी को बहुत बहुत आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और मुझे विश्वास है कि आने वाला समय मैं आप सबके सहयोग और आशा और विश्वास में खरा उतरी हूँ और मुझे दोबारा आप लोगों के सहमति से, आप लोगों की रजामंदी से मुझे दोबारा अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो मैं जरूर चुनाव लड़ना चाहूँगी। जी गणेश शंकर मिश्र जी, जी बताएंगे क्यों जनता वोट करेगी आपको। मैं गणेश शंकर मिश्रा, गांव मूरा के रहने वाला हूं, पड़ोस के। सबसे ज़्यादा जो समस्या है अभी मैं देखा था वो शराब के बारे में है। बहुत सारे बात करना है लेकिन समय का अभाव है। ओखा बारे में मैं शराब के विभाग के सबसे बड़े अधिकारी रहे हैं, एक्साइज कमिश्नर रहे हैं और एक्साइज के सेक्रेटरी रहे हैं 5 साल तक। मैं अभी जो बताएगी इस कांग्रेस के मोर साथी शुक्ला जी बोलिन कि ये तो मान लें कि ये अटके विवाद है कि गंगा जल के हाथ में लेके कसम नहीं खा रहे हैं, लेकिन ये बात ना स्वीकार करते हैं कि शराबबंदी के वादा करे रही हैं। एमा कोई विवाद के बात नहीं है, है ना। अब यही मैं आगे बढ़ाता हूँ सब आपके जानकारी पर कि भाई ये बन कहीं कि भाजपा 15 साल तक शराबबंदी काबर नहीं करी। ओखा मैं जवाब देता हूँ, बिल्कुल एतियोती के लन फन बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल पूरी पॉइंट बात कर रहा हूँ। काम में अधिकारी रहे हैं और वो विषय मैं जाना था। जब 2003 में जोगी जी के सरकार समाप्त हुई और रमन सिंह के सरकार शुरू हुई, उस समय पूरा प्रदेश में शराब दुकान के संख्या 1200 रही से, देसी शराब दुकान और विदेशी शराब दुकान 1200। और उखर बाद ये कहा थे कि भाजपा काबर नहीं करीस। मैं बताना चाहता हूँ आप लोग, शायद शुक्ला जी जानकारी नहीं है कि भाजपा के द्वारा कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुए है आंशिक मद्य निषेध। शराब ला पूरी शराब सामाजिक बुराई है, आपो कहे वो बात से मैं सहमत हूँ और वैदिक काल से शराब की बुराई ही चलत है, तो एकदम से बंद करना जरूर अब संभव ही नहीं है। लेकिन घर घर जो शराब बिका थे ओखर से आदमी मतलब तकलीफ है और ओखरे कारण मैं आप बताना चाहता हूँ कि पहली भाई क्लियर करा था मैं यार, ये बात ला कोई क्लियर नहीं कर पाई मोर सिवाय। पहली 200-300 के आबादी में शराब दुकान रही से और अब 2500 के आबादी में शराब दुकान बंद हो गए और 400 शराब दुकान हमन बंद कर चुके हैं। तो ये मैं अपन पर वोट नहीं मांगा था, मैं तो भाजपा सिपाही हूँ। हम जो भी भाई ला यदि टिकट मिली तो ओला भाजपा ला वोट दो और मैं कावर की मोला कोई अधिकारी बेवकूफ नहीं बना सके। मैं क्षेत्र के विकास पर ठोस काम करूं, एक आकार में अपन पर वोट मांग सका था। जी बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहेंगे क्यों वोट देगी जनता आपको। बैठे रहिए बैठे। हेलो, मोर नाम ढेलूराम नारंग है और मैं ग्राम बुढ़ेरा में रहता हूँ और मैं बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में विगत जब से बसपा बने हैं तब से मैं काम करता हूँ और मोर यहाँ बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब के पदार्पण मोर गाँव में हो चुके हैं और मोर कुछ कहना नहीं भाई। हमार पार्टी के जो ये है मैनोफेस्टो है वो सीधा सीधा संविधान के ऊपर इंगित करते और वोट के ऊपर इंगित करते। आखिर देश आज़ाद होइस और देश आज़ादी के बाद हमार जतेक 85% जेला हमन बहुजन समाज कथन जे मन हा आज़ादी के पहली कोमा मा जे मन जियत रहिन, कोमा मा रही के जियत रहिन, ना जिकर धन ना जिकर धरती ना जिकर शासन ना प्रशासन, ऐसन समाज के खातिर बाबा साहब अपन जीवन लगा के 7 समुंदर पार करके संविधान बना के लाइस। संविधान का ए हमर तकदीर के महाग्रंथ है, जेन हा बाइबल ले, जेन हा गीता ले, जेन हा कुरान ले, सब बेला पड़े। काबर कि एकर से देश नहीं चलते, देश चलते भारत के संविधान से। सर ये बताएंगे जनता वोट क्यों दे आपको, ये बताइए। सुनिए ना साहब, सुनिए
उसमें प्रस्तावना में यह है कि देश आजाद होने के बाद सभी वर्गों को बराबर का भागीदारी, भारत माँ की स्तन का दूध जो है हर के मुंह में जाना चाहिए था, मगर आज तक क्यों नहीं गया, इसलिए कालांतर में एक मान्यवर कांसीराम नाम का एक शख्स का उदय हुआ, महापुरुष का उदय हुआ, उन्होंने भारत देश में बिगुल बजाया और ललकारा और सोए समाज को जगाया कि तो आपके एक वोट से क्या हो सकता है। हम वोट मांगने वाले में से नहीं भाई, हम सही बता रहे हैं, हम वोट के वजूद बताने वाले में से हैं, हम वोट मांगने वाले में से। समय कम है, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। हाँ, और भी लोग संक्षिप्त तो में से भी नहीं, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मैं बार बार इन लोग जैसे नहीं बोलूंगा, थोड़ा सुन लीजिए मेरे बात को। तो आज हमको वोट का असली अपने जीवन का मूल्यवान हथियार का हमें पता नहीं था, उसको मान्यवर काशीराम साहब ने बताया कि आपका एक वोट से क्या हो सकता है, और उसका परिणाम भी सामने आया। 1996 में 13 दिन में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार डबल चुनाव कराना पड़ा, इतिहास आप लोग खंगाल करके देख, एक वोट के कमी के कारण, एक वोट से पंच, एक वोट से सरपंच, जिला, जनपद, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री। बंद क्यों करा दिया भाई? तो साथियों, आप लोग लोकतंत्र में अपने तकदीर की महाग्रंथ संविधान को समझो और संविधान की रक्षा करो, क्योंकि अभी संविधान के ऊपर बुरा नजर उठ रहा है, सबसे बड़ी चिंता इसी बात का है। बिल्कुल, धन्यवाद। सभी अपना मत का उपयोग करें, मत बहुत जरूरी है। रवि जी हैं, किसके वोट काटने की तैयारी में हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, बताएंगे आप भी दावेदारी कर रहे हैं, क्यों जनता आपको वोट दे, किधर का वोट काट रहे हैं आप? IN24 के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इस मंच पे गौ सेना संगठन ला अपन बात करे के मौका दी। आपके सवाल बहुत अच्छा लगी कि जनता आपला वोट का बढ़ता है, बहुत बढ़िया। हर पार्टी एक ही बात बोलते है कि हम विकास करबो, हर पार्टी एक ही बात बोलते हम विकास करबो, हमला वोट दो, लेकिन विकास का होते खाली रोड, नाली, आपके महिला भवन, सामाजिक भवन, कभी आप शिक्षा पे नहीं गए हो, आप शिक्षा पे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बात करे हो, आप जमीनी स्तर से ना बहुत दूर हो, आज जमीनी स्तर से बहुत दूर हो, सत्यता है, यह सत्यता है। आज आप सरकारी स्कूल में जाके देखो, आपके पास आएंगे, आप आज आप सरकारी स्कूल में जाके देखो, वहां टीचर नहीं है पढ़ाई पर, आप रोजगार के बात करे दो भैया, आप रोजगार के बात करे दो, आज स्थानीय युवा मल्ला रोजगार नहीं है। अब स्थानीय प्लान में जाके देखो, जो अडानी से आज जी हमारे हो गए, कितना छत्तीसगढ़िया मल्ला रोजगार है यहीं पे बताओ आप, कितना छत्तीसगढ़िया मल्ला रोजगार है। ओकर बात वेतन विसंगति, जो बाहर के बिहारी, रिवाड़ी, जो तेलुगुआ है, ओला 30-35 हजार सैलरी है, और जो स्थानीय जो लोकल छत्तीसगढ़िया है, ओला महज 15-16-20 हजार तक की सैलरी है ना। चिकित्सा पे मैं बात कर रहा हूँ, भारत की आजादी आज 75 साल हो गए, नेता के सैलरी बदल गए, उकर गाड़ी बदल गए, उकर बंगला बदल गए, लेकिन आज भी जो आप इंट्रो देना है, भाषण नहीं देना, इंट्रो देना है, सब भाषण नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, महोला एक मौका मिलना चाहिए, अभी तक के बीजेपी और कांग्रेस जनता के भी सवाल सुनो, नहीं सुनो ना, अभी तक आप बीजेपी और कांग्रेस ने मौका दिया बात करे पर, मैं बात करना चाहता हूँ भैया शराबबंदी पे, आप शराबबंदी पे बात करता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ शराबबंदी, मैं भी यहाँ काम करे शराबबंदी पे, सबला मौका मिलना है भैया, बिल्कुल मौका दो ना भैया, अभी आप बीजेपी और कांग्रेस दोनों सुने, मोला मौका दो ना भैया, आप शराबबंदी पे बात करे हो, आप शराबबंदी पे बात करे हो कि मैं एकदम से बंद नहीं कर सका हूँ, आप शराबबंदी पे बात करता हूँ कि मैं एकदम से बंद नहीं कर सका हूँ। गौ सेना संगठन एक ऐसे संगठन है, अभी समय है और मौका मिली अपन बोलू, अभी दूसरा ला दो भाई, दूसरा ला दो भैया, मौका तो मिलना रही से, हाँ ठीक है ठीक है, मौका तो मिलना रही से, बिल्कुल मौका दिया जी। भावेश जी, भावेश जी एकदम संक्षिप्त में आप मन कोशिश करूँ बता के क्या जनता आप मतलब वोट दी। सबले पहली तो IN24 ला बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ उपस्थित सबो आदरणीय मल्ला मोर प्रणाम, और मैं आप मन ला बताना चाहूँ, होती विवाद बंद हो जाए पहले, मैं आप मन ला बताना चाहूँ, मैं एक कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हूँ, और ये बात के मुला बहुत खुशी है, और
हमारे यहाँ लोकतंत्र जिंदा है और मैं धरसीवा से दावेदारी करता हूँ और मोर से प्रश्न पूछी से कि जनता आप लोग काबर वोट दें, तो सबसे पहले मैं जनता के बीच में जाके आज तक काम करत आए हूँ और आगे भी अपन कर्तव्य ला एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो के नाते मैं वो सब मूलभूत सुविधा ला जनता ला दिला हूँ, ये विश्वास दिलाता हूँ और जनता मूल चाहते युवा चाहते महिला चाहते कावर की मैं ओकर मन के बीच में जाके ओकर मन के दुख ला ओकर मन के सुख ला और ओकर मन के सुविधा जो भी वो मन ला तकलीफ होते वो मैं पूरा करत आए हूँ और अब आगे मोला पार्टी मौका दी तो मैं वो सारे जो कुछ भी कमी है विधानसभा में और बोला आगे हमन पूरा करबो, यही बस बात है। और कुछ विशेष रूप से कुछ ग्रामीण स्तर के बात करूँ मैं, यहाँ एक डिजिटल गांव, एक डिजिटल विलेज के मोर सपना है, ओला मैं आगे बढ़ाना चाहूँ, ओला पूरा करना चाहूँ मैं यहाँ। और मैं बहुत सारे बात है शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके खेल से लेके सभी वर्ग पर बहुत सारे मोर संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूँ लेकिन समय कम है तो एक बार मैं क्षमा चाहता हूँ, आप मतलब पूरा डिटेल में नहीं बताता हूँ लेकिन मैं मोर एक धरसीवा भर परिकल्पना है वो मैं लिखे हूँ तो मैं वो न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुँचाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो दावेदार थे उनसे हमने सवाल कर लिया, अब समय आ गया है जनता से राय जानने का कि वो किन की बातों पर सबसे ज़्यादा भरोसा करेंगे। तो मेरे सहयोगी योगेश है वो जनता के बीच जाएं उन्हीं से पूछें, जो दावेदार हैं वो कह रहे हैं किन की बातों पर जो जनता है वो भरोसा करें। जी योगेश, अब दावेदार जो है अपना अपना जवाब दे दिए, क्यों चुनाव लड़ना अपनी उम्मीद बता दिए, क्या कारण से चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे चुनाव लड़ने के बाद। अब जनता है, जो जनता उन्हीं से बात करेंगे आखिर चुनाव क्यों लड़ेंगे और जो क्या जवाब चाहिए। आपके सामने दावेदार बैठे हैं, विधायक हैं, इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए आप क्यों चाहते हैं और किसको चाहते हैं, किसके ऊपर विश्वास है आपको, किसको वोट देंगे जी। विकास के लिए हम लोग है ना, तो वो भारतीय जनता पार्टी ही कर रहा है और करेगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। आप किसको वोट देंगे, आपको किसके ऊपर विश्वास है, क्योंकि सभी प्रत्याशी तो बता दिए हैं आप। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भूपेश भैया जिंदाबाद। एक मिनट भाई साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए ये बात, ऐसे में तो ये भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई हो जाएगा। आज बात को सुनिए, ये बात आम जनता की है इसलिए आम जनता को बात करने दिया जाए। शांत रहो थोड़ा सा, एक मिनट। मैं एक खरुआ पंचायत के एक नागरिक की हैसियत से एक सवाल पूछना चाहूँगा आज के कार्यकर्ता, आज के जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं उनसे। और इसमें ना मैं भाजपा से ना मैं कांग्रेस से, एक निस्वार्थ भाव होकर के एक काम और बात करना पूछना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा प्रत्याशी जो आम जनता के, आम नागरिक के और आम गांव के, हमारे किसान के हित में जो कार्य करेगा, मैं उसी को वोट देना चाहूँगा। इसमें पर्टिकुलर कोई भाजपा या कांग्रेस का कोई बात नहीं है, जो भी आदमी हमारे क्षेत्र के, हमारे नगर के और हमारे ग्राम के, एक पीछे से जुड़ा हुआ आदमी, एक छोटा सा आदमी का जो सहयोग करना चाहे। इधर जी बताइए, मैं भी बोलूं। और भी लोग हैं। मेरा एक सवाल है, दो मिनट, मेरा एक सवाल है विधायक मैडम से, माननीय अनीता शर्मा जी से मेरा एक सवाल है। आपके एक प्रमुख कार्यकर्ता हैं बबलू भाटिया, अभी मंच से मेरे नाम से वो बोल रहे थे कि मैं शराब बेचता हूँ। मैं यदि शराब बेचता हूँ तो आपकी सरकार है, आप विधायक हैं, आपके मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे जेल भेजे। देखिए इसमें आप लोग वाद विवाद ना करिए, जो ऑडियो सवाल सवाल ये है सवाल हाँ। एक मिनट, सब शांत हो जाइए, भारत माता की। मेरा सवाल ये था कि हमारे जो माननीय दावेदार जो मंच पर बैठे हैं, उन्होंने सबने बताया कि आप वोट उन्हें क्यों करें। एक मिनट, आप उन्हें वोट क्यों करें, ये सवाल का जवाब हमने उनसे लिया।
एक मिनट, अब आपसे जवाब ले रहे हैं कि आप सबसे ज्यादा भरोसा किस पर करते हैं, जवाब इसका दीजिए, भरोसा किस पर करेंगे सबसे ज्यादा, एक लाइन में उत्तर दीजिए, किस पर, एक लाइन में उत्तर दीजिए, किस पर भरोसा करेंगे। हम चाहते हैं आपके लिए जो उम्मीदवार है, जो दावेदार है, वो बैठे हुए हैं, आप सब बैठ जाइए, प्लीज प्लीज सभी से निवेदन बैठ जाइए, हम आपसे जवाब लेना चाहते हैं कि किसको आप चुने, किसको आप सरकार में फिर बैठाएं, किसको अपना विधायक बनाएं, प्लीज आप लोगों से निवेदन है, बैठ जाइए। हेलो, हमारे खरोरा नगर की मान्यता है, आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए, सौहार्द के लिए खरोरा नगर जाना जाता है, आपस प्रेम और सौहार्द के लिए जाना जाता है, आप लोग। अच्छा, मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप बोलने वालों को माइक अपने हाथ में नहीं दीजिए। वर्तमान में जितने प्रमुख प्रत्याशी का बैठे हुए हैं मंच में, एक छोटा सा मेरा मांग है मैडम और मिश्रा साहब, आपसे भी निवेदन है, एक युवा छात्राओं को लेके मेरा मांग है, नंबर वन, सब जानते हैं मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ इरिगेशन से, जब आप बैठेंगे सर क्या है, किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन से जीएमआर और अमेठी यूनिवर्सिटी आफत दुनिया भर के इंस्टीट्यूशन बने हैं, भारत भर के बहुत ज्यादा खर्च करके यहाँ युवा आ रहे हैं और कार्य कर रहे, पढ़ रहे हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, ये कार्यक्रम हमारे मीडिया के IN20 का ये है, और इसको, इस आयोजन में हमको अपनी जो पार्टी के लिए जो भावना है, उस भावना को आपको व्यक्त करना है, बताना है, हाँ और नहीं में जवाब देना है। आप ये इतना अच्छा आयोजन हमारे मीडिया वाले भाई लोग रखे हैं, तो आप लोग शांतिपूर्वक, कृपया इसको शांतिपूर्वक चलने दें। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बोल रही हूँ, उन लोगों को भी बोल रही हूँ, बीजेपी के लोगों से भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग शांति व्यवस्था बना के इस कार्यक्रम, क्योंकि ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए है, आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने की बात इन्होंने यहाँ पे रखी है, तो आप लोग शांति से इस बात को सुनिए, शांति से अपनी बात एक लाइन में आप अपनी जवाब, अपनी बात रख सकते हैं। अब सभी से सवाल है, आखिर आप सभी ने सुना है, सभी प्रत्याशियों को सुना, आप लोगों से सवाल है, आखिर किस पर भरोसा करेंगे, सभी बता दिया, आपको किसके ऊपर भरोसा है? कांग्रेस पर। कांग्रेस, आपको? भारतीय जनता पार्टी पर। आपको किसके ऊपर भरोसा है? कांग्रेस। आप किसको भरोसा है? हमारा उस पर भरोसा है जो हमारे सामाजिक आर्थिक नीचे से नीचे स्तर पर काम करेंगे उन पर, और साथ में जो नशाबंदी पर पुरजोर सहयोग करेंगे। मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, ये नफा के माध्यम से महिलाएं ज़्यादा प्रभावित होती, सुनिए दो मिनट तो सुनिए भाई, मैं मीडिया के सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ महिलाओं की भूमिका भी सुनिश्चित होनी चाहिए, सभी पार्टी के मेरे भाइयों से अनुरोध करूँगा कि भविष्य में हो तो महिलाओं की भागीदारी इस कार्यक्रम में बढ़ाएं, मैं ये अनुरोध। आपको किसके ऊपर भरोसा है? कांग्रेस देख रहे हैं, भाजपा देख रहे हैं, निर्दलीय चाहिए हम लोग। आपको किसके ऊपर भरोसा? हमको भी निर्दलीय चाहिए। आपको किसके ऊपर भरोसा? कांग्रेस को देना है। आपको किसके ऊपर भरोसा? अनीता शर्मा। आपको किसके ऊपर भरोसा भैया? कांग्रेस, अनीता शर्मा पे। आपको किसके ऊपर भरोसा? कांग्रेस। आपको? कांग्रेस पे। आपको किसके ऊपर भरोसा है? अनीता दीदी के ऊपर। आपको किसके ऊपर भरोसा भैया? कांग्रेस पार्टी। भाजपा कार्यकर्ताओं को सवाल, किससे सवाल है आपको बताइए? लीजिए, विधायक थे। हम भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। एक मिनट, विधायक सक्षम है, और चाहूँ कि बहुत कार्यकर्ता है, आदरणीय विधायक महोदय सवाल के जवाब दो है। बोला, मोर नाम अभिषेक है, पश्चिम सरपंच में है। आदरणीय विधायक जी, आप विधायक बने 5 साल हो गए, 5 साल में पूरा धरसिया विधानसभा में शराब की गंगा बहा था भाई, आम आदमी बन के बीच में यह बात है भाई कि आपके संरक्षण कोचे बन के बीच में हवा है, तो आप कोचे में संरक्षण देते हो कि नहीं देते, उसके बताओ मंच में। ये बहुत, ये शराब के समस्या जो है यहाँ धरसिया विधानसभा में लगभग पता चल गए, और विधायक महोदय एक जवाब भी दे चुके हैं, 2-3 बार हो गए, मैं सुना था। कोचिया में संरक्षण है कि नहीं, विधायक के बताओ। कोचिया मतलब विधायक के संरक्षण है कि नहीं है? गांव-गांव जो ठीक है, चंद्रशेखर भैया बैठे हैं, धारा पर भाषण देते हो, सरकारी दुकान मत बंद हुआ है, गांव-गांव जो भट्टी बंद हुई नहीं, चंद्रशेखर भैया बताओ। बोला आपने क्या बोला था, बताओ आप। मैं ये कहना चाह रहा था,
बोलो नहीं भागूंगा नहीं माइक लेके आपका। अभी भाजपा के मंडल के महामंत्री जी बड़े भैया घनश्याम जी ने जो बात कही थी कि 2 साल का बोनस कांग्रेस सरकार देगी कि सरकार वाला। अभिषेक भाई तो आपके मैं जवाब देता हूँ, सामाजिक बुराई है, आप सरपंच हो, दूसरे घर सरपंच बने हो आप, हाँ आज तक दिशा में क्या प्रयास करे हो आप अपन गांव में बिकते थे, आप कभी थाना जाकर रिपोर्ट लिखाए हो? विधायक के बात है, विधायक के बात है भैया, सुनो चंद्र का भैया, सुनो भैया, अकेले विधायक क्या करी, आपके क्या योगदान है, ये तो सामाजिक बुराई है। विधायक के आपको फोन आते थाना में छोड़ो कहीं के भैया, आपों के तो प्रयास होना चाहिए, आपके क्या योगदान है, दूसरे गांव सरपंच बने हो आप? हाँ बताइए क्या सवाल आप। माननीय विधायक महोदय और कांग्रेस और बीजेपी के सभी नेताओं से मेरा एक सवाल है, कृपया मेरा सवाल आप लोग सुन रहे हैं, मैं ध्यान चाहूंगा आप लोगों का। जैसा कि विधायक का चुनाव दलीय आधार पर टिकट मिलता है, आम जनता चुनाव करती है विधायक का, वैसे ही ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव आम जनता करती है, नगरी पंचायत नगर निकाय महापौर का चुनाव जो कि दलीय आधार पर होता था, दलीय आधार पर अभी भी होता है किंतु प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होता था, उससे जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जो कि पूरे गांव के लोग पूरे नगर के लोग चुनकर भेजते थे, क्या सरकार आपकी घोषणा पत्र में यह शामिल करेगी? मैं दोनों पार्टी से पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक पत्रकार भी हूँ और मैं जब नगर क्षेत्र में घूमता हूँ तो लोगों के मन में उत्सुकता रहती है कि इसमें खरीद फरोख्त की स्थिति बहुत अधिक बनती है, यह एक मेरा क्वेश्चन है आपसे। दूसरा क्वेश्चन, खरोरा तहसील बना, उप तहसील बना कांग्रेस के शासनकाल में, किंतु क्या खरोरा कभी ब्लॉक बन पाएगा? आज भी हम खरोरा के लोग राजधानी से 40 किलोमीटर दूर होने के बाद केवल 40 किलोमीटर तिल्दा के ऊपर डिपेंड है, खरोरा नगर पंचायत और खरोरा परिक्षेत्र के अधिकांश गांव जो कि जनपद पंचायत तिल्दा में प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ के अधिकांश गाँव तिल्दा में है और लगभग 60% संख्या हमारी है, तो क्या इस पर आप लोग इसको घोषणा पत्र में शामिल करेंगे? क्योंकि पूर्व विधायक जो कि गंगूराम पटेल थे, उन्होंने विधानसभा मध्य प्रदेश के विधानसभा में अशासकीय संकल्प पारित किया था, मैं दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इस पर जवाब चाहूंगा। हाँ आप क्या आप ये बताइए किसके ऊपर भरोसा है, क्योंकि सभी लोग है ना, सभी से बात करेंगे। हाँ, लेंगे जवाब लेंगे, जरूर लेंगे, ठीक है जवाब जरूर लेंगे, जवाब दिया जाएगा, पहले बात करते हैं। मेरा सवाल बीजेपी से है, श्री गुलाब टिकरिया जी से। अभी तीजापोरा का समय चल रहा है, राखी का समय था, लेकिन ट्रेन परिचालन में रेलवे के वजह से अभी आम जनता को बहुत परेशानी हो रहा है, तो आपका क्या है, क्या स्टैंड रहेगा? अभी जनता परेशानी हो रहा है ट्रेन की अपेक्षा, जो क्या है तो बीजेपी का क्या स्टैंड है? अभी बहुत ज्यादा बंद कर रही है ट्रेन परिचालन में है, बहुत सारा परेशानी है, गुलाब की करिए जिसे है मेरा सवाल। आप सभी सुन लिए जनता क्या कर रही है, माइक नहीं छीनना है, जनता क्या कर रही है, जनता की बात सुने, प्रत्याशियों की बात सुने, कहे कि ये कार्यक्रम अभी जितना समय तक चलेगा, जितने समय तक बात करेंगे उतना समय तक ये कार्यक्रम से चलेगा, इतना वक्त नहीं है, तो कार्यक्रम आप देख सभी प्रत्याशी लोग जितना है, जितने प्रत्याशी लोग हैं सभी से आप बात कर लिए, इसके बाद हम अपना कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं, समापन करते हैं।